रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ब्रिज रेक्टिफायर के हवाले से है, ब्रिज रेक्टिफायर सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ के हवाले से। तो मैं आपको उसकी डायग्राम बना के उसको बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक डायोड आ गया, ये दूसरा डायोड आ गया, ये अभी मैं सिंगल फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने एसी लगा दी इसके साथ, पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल गया हमें। होता ये है, अब मैंने यहाँ इसको सप्लाई दी, करंट यहाँ से गुजरा। अब आपको पता है कि एसी सर्किट में पॉजिटिव भी हो रहा होता है और नेगेटिव भी हो रहा होता है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ ये एनोड साइड है डायोड की। अगर आप दो साइड होती है ना, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। एनोड क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव को जाने देता है, नेगेटिव को क्या करता है, रोक देता है। अगर मैं इस साइड से लगाऊं, अब यहाँ से क्या होगा, कैथोड साइड से यहाँ से नेगेटिव को जाने देगा, पास करने देगा और पॉजिटिव को रोक देगा। तो अब यहाँ पे ये साइड देखें अगर आप, तो ये एनोड साइड है। यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव को जाने देगा, तो पॉजिटिव यहाँ जाते हुआ पॉजिटिव यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। अब इस एसी साइकिल में एक नेगेटिव भी होगा, तो नेगेटिव यहाँ पर जाएगा। जब नेगेटिव यहाँ जाएगा तो नेगेटिव यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ नेगेटिव यहाँ पे मिल जाएगा। और नेगेटिव यहाँ पे भी जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, एनोड साइड है। अब नेगेटिव, अब यहाँ पे भी दोनों साइकिल आ रहे होंगे क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव यहाँ पर आया, फर्स्ट कर ले पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से पास होकर यहाँ पर तो मिल जाएगी हमें, मगर जब पॉजिटिव यहाँ पर आएगी तो ये एनोड साइड है, एनोड हमें रोक देगा। और यहाँ पे क्या सिर्फ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही जाता रहेगा। और इसमें अगर हम इस बात यहाँ पे बात करें, यहाँ से अगर नेगेटिव जा रहा है, फर्ज करें यहाँ से नेगेटिव गया, नेगेटिव को ये पास करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा और नेगेटिव पास होता हुआ नेगेटिव यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें ये सिंगल फेज में तो ये ईजिली आराम से मिल जाएगा। अब अगर हम थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज में कुछ भी नहीं होता, सिंपली ये मैं दोबारा पूरा बनाता हूँ, रुकें। ऐसे ही एक सर्किट होगा, ये एक डायोड, ये दूसरा डायोड, इसी तरीके से ये ये थ्री फेज बेसिकली डायोड, सही। ये तीनों आपस में कनेक्ट होंगे, ये तीनों आपस में कनेक्ट होंगे और यहाँ पे एक कनेक्शन होगा, फर्ज कर लेते हैं स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, ठीक है। अब एक यहाँ पर लीड होगी, एक लीड आपकी जो है यहाँ पर होगी और एक लीड जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। और आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, सिंपली अब यहाँ से एसी जनरेट हुई, फर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइकिल होंगी, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब पॉजिटिव जब यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ये एनोड साइड है, पॉजिटिव यहाँ से पास होता हुआ इधर आ जाएगा। अब दूसरी साइकिल पर हम पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी पॉजिटिव भी आ रहा होगा, नेगेटिव भी आ रहा होगा। पॉजिटिव इस साइड पर आएगा, पॉजिटिव यहाँ से पास हो जाएगा। और यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अब इसी साइकिल में नेगेटिव भी होगा, जब नेगेटिव इधर जाने की कोशिश करेगा ये इसको रोक देगा, नेगेटिव यहाँ से पास करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा और नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी नेगेटिव निकलने की कोशिश करेगा, इधर रोक देगा, यहाँ से नेगेटिव पास नहीं होगा, नेगेटिव यहाँ से पास होता हुआ इधर आएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा। सेम ऐसे ही इसी में होगा। तो ये बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट था, सिंगल फेज और थ्री फेज का। उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।